गुजरात के वडोदरा में आज ईद ए मिलाद उन नबी के उपलक्ष्य में वडोदरा के अलग अलग इलाकों से जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु शामिल हुए। ईद ए मिलाद उन नबी हर साल रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय में विशेष प्रार्थनाएं, समारोह और जश्न मनाए जाते हैं। लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को याद करते हैं। आज इस मौके पर वडोदरा के सिटी इलाके में मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में जुलूस के आयोजन किए गए। वडोदरा के पानी गेट, मुगलवाड़ा, पिरामितार समेत के इलाकों में ईद के जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद अल नबी या ईद मिलाद के रूप में मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार रबी उल अव्वल के तीसरे महीने के 12वें दिन होता है। इस्लामिक साहित्य के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ई के आसपास मक्का में हुआ था। हालांकि शिया और सुन्नी विद्वान इस दिन को अलग अलग तिथियों पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने वाले लोग नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करके और दोस्तों और परिवार से मिलकर इसे मनाते हैं। लोग नमाज अदा करने के लिए सुबह सुबह मस्जिदों या दरगाहों में इकट्ठा होते हैं और सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं और फिर जुलूस के आयोजन होते हैं। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि ईद मिलादुन्नबी हम मना रहे हैं और आज वाड़ी से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकला हुआ है, वो मांडवी जाकर ख़त्म होगा और तमाम वाड़ी के लोग इसमें शामिल हैं। मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी देता हूँ ईद मिलादुन्नबी की। और कल आतिकल गणेश चतुर्थी है, तो मैं हिंदू भाइयों को भी मुबारकबादी देता हूँ। कल उनका त्यौहार है, उनको मुबारकबादी है और कल बहुत अच्छी तरह से उनका भी जुलूस निकले और पुलिस का बंदोबस्त अच्छा रहे और बड़ौदा शहर में शांति के साथ ये दोनों त्यौहार संपन्न हो, यही मेरी दुआ है, यही आशीर्वाद है। वडोदरा के तांदलजा इलाके में भी ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस आयोजित किया गया। तांदलजा में हर वर्ष ईद का जुलूस धार्मिक भावना के साथ आयोजित किया जाता है। यहाँ के मुस्लिम बंधुओं ने ईद के जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल होते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वडोदरा पुलिस द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया ताकि शांतिपूर्ण रूप से धार्मिक जुलूस को सम्पन्न कराया जा सके। आज ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत के मुबारक मौके पर ये जुलूस निकाला गया है और सरकार अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में हम ये जुलूस निकालते हैं, लोगों में न्याज बांटते हैं, खाना बांटते हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने जो सबसे बड़ा पैगाम दिया वो अमन और शांति और सुकून और इत्मीनान का पैगाम दिया, तो हम भी ये चाहते हैं कि जुलूस सुकून और इत्मीनान से शुरू हो, सुकून और इत्मीनान के साथ ख़त्म हो और हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन और सुकून बना रहे, बस हमेशा यही दुआ है। आज ईद मिलाद के उपलक्ष्य में हम लोग तांदलजा में आज आए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस को अभी हमने फ्लैग ऑफ किया है। यहाँ पे चिश्तिया मस्जिद के मुफ्ती साहब, सभी मौलवी साहब, सेंट्रल कमेटी के सभी सदस्य और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमने सभी ने मिलकर यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और जुलूस शांति से निकले ऐसा इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, तो हम इनके साथ हैं और पूरा हम इसमें तैयारियों में जुड़े हुए हैं और शांति से पूरा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आज तांदलजा इलाके में हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मुबारक दिन है और उनके नाम से तांदलजा में एक शानदार जुलूस का आयोजन किया गया है। अभी जुलूस यहाँ से रवाना हुआ है, मुक्तिनगर मनीषा होते हुए वापस आएंगे और आज बहुत ही बड़ा दिन है। इंशाल्लाह ये दिन के सदके में अल्लाह तबारक व ताला पूरे देश में सुकून और चैन दे। जुलूस ऊपर पति निकली सहकार नगर थी राजू टावर थी मनीषा चार थी परत आवशे। અને આજના ઈદના ખુશીના મોકા પર હું દુઆ અને પ્રાર્થના કરું છું કે આજ પ્રમાણે મુલ્કમાં અને દેશમાં શાંતિ અને એકતા બની રહે। આજના ઈદના ખુશી મોકા પર હું તમામ દેશવાસીઓને મુબારકબાદી આપું છું અને દુઆ અને પ્રાર્થના કરું છું કે આજ પ્રમાણે હિન્દુ મુસ્લિમ સાથે મળીને તમામ તહેવારો કરે અને ગણેશજી ઈદ મિલાદ બંને સાથે તહેવારો આવ્યા છે તો હું તમામ તહેવારો શાંતિને એકતા થાય એ આજના ખુશીના મોકા પર હું દુઆ અને પ્રાર્થના કરું છું।
वडोदरा के मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुस्लिम समाज के महान पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर मोहम्मद साहब के बाल मुबारक के दीदार करवाए जाते हैं। याकूतपुरा की कलंदरी मस्जिद में भी मंसूरी समाज के लोगों द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौलाना अकमल साहब मौजूद रहे। इस मौके पर शहर की शांति और भाईचारे के लिए दुआ भी की गई। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मुबारक महीना और मुबारक दिन, जो आज का दिन है, बड़ा मुक़दस दिन है जिसके अंदर इस्लाम के पैगंबर और तमाम मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, जिनको हम गुजराती में जन्मदिन कहते हैं उनका, और बर्थडे भी कहते हैं भाई, जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ईद मिलाद हम कहते हैं। आज का दिन ईद मिलाद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हम सबको इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ खुशी मनाए, गरीबों की मदद करे, बेवाओं की मदद करे, और हर आदमी जो भी हो, कोई भी हो, ज़रूरतमंद हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो या कोई भी हो, सबकी ज़रूरतमंद की आज के दिन के अंदर मदद करे, और हम इस तरह से अपने दिन को गुजारें कि किसी को तकलीफ़ ना हो, हम सुलह शांति के साथ अपना ये मुबारक दिन गुजारे, और आने वाले आइंदा कल के अंदर भी हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, हम मिलजुल के हमारे यहाँ हमेशा से चला आ रहा है, मैं उनसे भी अपील करूँगा सब मिलजुल कर हम ये त्यौहार मनाएं।